Now in this question, question. आपकी आवाज ही नहीं आ रही है सर. बेटा आवाज नहीं आ रही है. आ तो रही है सर. सर सॉल्व करके बताएं. सॉल्व करने के पहले एक्सप्लेन करो फिर सॉल्व करना. ओके ओके सर. आवाज क्लियर है? यस सर आवाज एकदम क्लियर है. ओके सो नाउ लुक हियर. ए लोडेड ट्रक ट्रैवल्स 15 किलोमीटर इन 30 मिनट्स 35 मिनट्स मींस 35 मिनट्स और आपका क्या है डिस्टेंस ट्रैवल 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर x किलोमीटर रेशियो 7 into 60 मिनट्स किलोमीटर पहले 15 किलोमीटर आएगा ना. नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं. आप दोनों को चेंज कर सकते हो. आप बताओ मैं किस पे लिखूं किलोमीटर में या 15 किलोमीटर पहले ले लो. ओके अगर आप ले लो किलोमीटर किलोमीटर उसके बाद आप क्या ले लो मिनट क्या ले लो नेक्स्ट अगेन फिर से जब आप किलोमीटर लियो तो आपको फिर से किलोमीटर लेना होगा किलोमीटर और अब आपको क्या लेना होगा मिनट्स लेना होगा मिनट्स. सो गिवन दैट इज इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन सो वी मे राइट इन दिस फॉर्म किलोमीटर इज टू मिनट्स प्रोपोर्शन टू या इक्वल टू किलोमीटर इज टू मिनट. सो हाउ मेनी किलोमीटर 15 किलोमीटर इज ट्रैवल्स एंड इट विल टेक 35 मिनट्स 35 is equal to half person is traveling 7 hours. 7 hours means 480 minutes. 7 into 60 minutes. And let the distance traveled equal to x kilometer. So x kilometer sir. Required distance come x kilometer. Now so do you know what is product of mean and product of mean? Yes sir. Sir. A equals to A into B. What is the relation product of mean and product of extreme? Sir 7 into 60 ko matlab apan multiply karke likhenge ki direct aise likh denge. So now we know that K equals to X into A into B. Product of mean. सर के इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में. ए इनटू बी भी ले सकते हैं. प्रोडक्ट ऑफ ए इनटू बी नहीं होगा ए अपॉन बी होगा सर. ए अपॉन बी होगा सर. ए अपॉन बी. चलो मैं बात ही कर लेता हूँ. हाँ किसका कहना है कि ये वाई होगा जरा नाम बताओ अपना. सक्षम जैन. सर मैं नहीं बोला सर वो बोला कि डिवाइड होगा वो. ऐसा नहीं कहना. देखो वेरिएबल्स वेरिएबल्स क्या होता है कोई भी लेटर होगा कोई भी सिंबल होगा है ना. लेटर मींस आपका ए टू ए टू जेड कोई भी लेटर आप वेरिएबल्स को डिनोट कर सकते हो. सिंबल मींस आपका अल्फा बीटा गामा थीटा है ना. कोई भी सिंबल आपका वेरिएबल हो सकता है. तो आप कभी ऐसा नहीं करना कि हाँ वाई ही होगा. ऐसा नहीं है. वेरिएबल्स मींस इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है. कोई भी सिंबल है कोई भी लेटर है कुछ भी हो सकता है वेरिएबल. ऐसा नहीं कि मैं अगर ज्यादा वाई यूज कर रहा हूं तो हमेशा के लिए वाई ही होगा. अब देखो प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. सो नाउ प्रोडक्ट ऑफ मीन सो दिस वन इज मीन टर्म. दिस वन इज मीन टर्म मींस 35 इनटू एक्स दिस इज द प्रोडक्ट. अपन को कैसे पता सर हम लोग को कैसे पता सर कौन सा मीन है कौन सा एक्सट्रीम. सर 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 वही वाला बताओ ना के इक्वल्स टू वाला. सर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है. सॉल्व करो बेटा सॉल्व करो. सॉल्व करो एक्स की वैल्यू फाइंड करो. आंसर करो 180. 180 वेरी गुड. सो
सर कुछ समझ नहीं आया सर ये वाला मेथड सर तो के वाला ज्यादा अच्छा था। चलो पहले सर मेरा आंसर तो 2010 आ रहा है। एक काशा एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जरा भी समझ नहीं आ रहा है जरा भी। 210 आ रहा है 210 बिल्कुल समझ नहीं आया। पुलकित किसे किसे नहीं समझ आया पुलकित के अलावा? समझ तो आया लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन टाइप का लगा। अगर कोई दो रेशियो आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है सपोज दैट टू रेशियो यूज पार्ट सपोज दैट ए एंड बी अगेन सी एंड डी A and B means A is to B, C and B means C is to B. अगर कोई दो रेशियो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है इट मींस दिस कैन बी रिटन। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। क्लियर है सर क्लियर है सर वेरी क्लियर साउंड क्लियर है। प्रॉब्लम है सूर का इसको समझो। अगर कोई दो रेशियो इक्वल है तो हम लोग इसको इस फॉर्म में ले सकते हैं A is to B is equal to प्रोपोर्शन का सिंबल जो है ना डबल डॉट प्रॉपर्टी होती है प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्टीम। फर्स्ट यू नो यू हैव टू नो विच मीन मीन टर्म ये आपका है मीन टर्म अंदर बैठा हुआ आपका हो गया मीन और जो एक्सटीरियर है ये आपका हो गया एक्सट्रीम। पुलकित 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 रिप्लाई नहीं कर रहे हो चलो उसे नहीं समझना क्या क्वेश्चन चेंज कर दो पुलकित। रिलेशन होगा तो वो हमेशा इक्वल होगा। ये यहाँ तक क्लियर होगा पुलकित? यस सर। ओके अब आप इसे याद रखो और मैं इसका डाटा डालूं ए बी सी डी आपका क्वेश्चन में क्या है 15 किलोमीटर तो 15 किलोमीटर मैं सबसे पहले किलोमीटर को ले लेना उसके बाद क्या 35 मीटर तो मैं क्या ले रहा हूँ मीटर तो किलोमीटर कितना बेटा ये आपका 15 किलोमीटर है और मीटर क्या 35 मीटर। नेक्स्ट अब आपको जब आप किलोमीटर और आप लिए हो मीटर लिए हो तो अब आपको फिर से किलोमीटर और मिनट का ही सीक्वेंस रखना होगा तो फिर से मैं ले रहा हूँ ये किलोमीटर और ये क्या ले रहा हूँ मिनट। समझ में नहीं आ रहा है। आ रहा है सर समझ में आ रहा है सर बहुत अच्छे से समझ आ रहा है सर। अब पहले सर एक दिक्कत नहीं है पहले फिनिश करने दो तब बोलना नहीं समझ में आया है ना अभी तो मैं बीच अच्छे से समझ आ गया गुंजन।
तो 7 आवर्स में कितना किलोमीटर ट्रेवल करेगा उस समय क्या ले लिया एक्स ले लिया ओके अब आप देखो प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम में मिडिल टर्म और स्ट्रीम टर्म हमेशा इक्वल होगा इट मींस 35 अगर मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूं सो एक्स इनटू 35 दिस इक्वल्स स्ट्रीम आपका क्या होगा 35x 15 इनटू दिस किया तो स्ट्रीम टर्म हो गया 15 इनटू 7 इनटू 60 अब आप सिंपल आप 7 जोड़ा 7 7 5 जा 35 5 3 जा 15 सो एस की वैल्यू क्या आ गई 6 3 जा 180 सो 180 किलोमीटर ये आपका आंसर है अभी ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा आप फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो आप सर तो इनडायरेक्ट में क्या करेंगे सबर करो इनडायरेक्ट का आपको डेफिनेशन याद रखना होगा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का क्या रिलेशन है और ये डायरेक्ट में प्रोपोर्शनल कांस्टेंट सर बहुत इजी है सर अब बना लेंगे बहुत इजी है सर सर मैं बनाऊं सर मैं एक्सप्लेन करूंगा सर अब ओके नाउ सो फर्स्ट आपका 5 आवर्स दिया है 5 आवर्स सर मैं करूंगा सर मैं करूंगा ना एक्सप्लेन यस सर ए सर 24 किलोमीटर रेशियो 40 मिनट्स 24 किलोमीटर इज टू 40 मिनट्स सर दो बार रेशियो सर उसके बाद एक्स सर क्योंकि अपने पास किलोमीटर नहीं दिया हुआ तो एक्स किलोमीटर 5 इंटू 60 मिनट्स 5 into 60 minutes, right? Okay. Product of mean equals to product of extreme, sir. B okay. into C, A into D. 40 minutes into X. Equals to product of extreme. Sir, mean is 40 minutes or X kilometer or extreme is 24 kilometer or 5 into 60 minutes. 24 into 5 into 60 sir 41 ja 40 nahi nahi sorry sir 00 cut okay kaise karo sir 0 cut 0 cut yes 41 ja aur 6 ja 41 ja 4 4 5 ja 24 6 ja bhai 30 sorry sorry 180 गुंजन सर यस सर जितना भी क्वेश्चन देंगे उसका आंसर 180 सर अरे इट्स वेरी क्लियर सर एक भाई ये मैं तक को इनडायरेक्ट में बताऊं ना सक्षम सबर करो उसके बाद बताएंगे सर सर प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम नहीं मालूम है गुंजन डॉट पूछोगे तब तो क्लियर करूंगा नहीं मालूम ठीक है सर आंसर इज 180 जरा सबर करो ओके ये आपका प्रोपोर्शन में अगर तुम इसी बार जैसे 3 मान लो 6 अपॉन 5 और ये है 15 देखो ना 6 अपॉन 5 में भी रिटेन है 6:5 आल्सो 18 अपॉन 15 में भी रिटेन है 18:5 18 रेशियो 5 15 अब देखो ना मान मान लो सर Is the linear ratio equal? 6 upon 5 is equal to 18 upon 15. Gunjan, batao. Kya 6 upon 5? Equal hai. Equal hai. Equal hai. Equal hai means kya hota hai?
इक्वल हो गया इंटू थ्री इंटू थ्री। समझो अगर ये इक्वल है तो आप फाइव क्लास सिक्स क्लास को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पढ़ो। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ फाइव को एटीन से है ना, मीन्स फाइव इंटू एटीन दिस इक्वल सिक्स क्या होगा, सिक्स किससे मल्टीप्लाई होगा फिफ्टीन से, इंटू फिफ्टीन। अब एटीन को फाइव से कितने मल्टीप्लाई करो देखो क्या आ रहा है, 5 into 18, 6 into 15 product of mean equals to product of extreme। अब देखो एक्चुअली मैं इसे बोला ये मीन है, ये क्या होगा मीन टर्म, मीन मीन का मतलब है जो मुझे ना समझ में आ रहा है ना, मैं बोल रहा हूं यहां कि प्रोडक्ट ऑफ मीन, फर्स्ट मैं निकाल रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब 5 और 18 आ रहा है मीन, सर्वर क्यों आएगा 5 और 18 क्या बोल रहे हो, 5 और 18 क्यों है मीन टर्म, मीन क्योंकि वो मिडिल में है ना इसलिए वो मीन है, किसी का नाम जैसे इसका नाम रखा गया मीन, क्या इसका नाम है मिडिल नहीं आ रहा इसलिए मीन है, जो आउटसाइडर उसे क्या बोला जा रहा है एक्सट्रीम। पर आप इस मेथड में देखो आप 5 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 18 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन का क्या आ गया 90। सिमिलरली अब आपके एक्सट्रीम का क्या होगा, ये आपका होगा एक्सट्रीम टर्म। तो आप देखो मीन से तो 6 into 15 दिस इक्वल्स 90। इसमें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड टर्म यूज हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल, इफ टू रेशियो आर इक्वल इट मींस देयर प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम विल बी इक्वल। ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन आप इसको फिफ्थ क्लास में पढ़ चुके हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही है। अगर आप फ्रैक्शन मेथड से बनाओगे तो ये सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है लेकिन प्रोपोर्शन में इसे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ मीन बोलते हैं और इसे प्रोडक्ट ऑफ मीन बोलते हैं एक्सट्रीम, और मीन और एक्सट्रीम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा इक्वल होगा। समझ रहे हो गुंजन? यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, truck travels 27 kilometers in 45 minutes at the speed in this way, how far can it travel in iska bhi answer 180 beta batao nahi explain kar sakte ho aap hame message kar do agar aap dekh sakte ho dusre ko batao sir ye to main karta hu explain sir main karu ओके गुंजन एक्सप्लेन करो। यस गुंजन सर सबसे पहले एक मिनट बेटा थोड़ा स्टेटमेंट आप सुन रहे हो ना, लेट द डिस्टेंस ट्रैवल इन 5 आवर्स इक्वल टू एक्स एक्स ओके गुंजन बताओ 27:45 minutes equal to x ratio meter 5 into 60
सर उसको 300 भी तो लिख सकते हैं ना 5 into 60 को। product of mean equals to product sir product of mean equal to product of transmission product of mean 45 into x 27 into 5 into 6 answer one product of x okay so product of mean mein kya product of mean 45 into x x into 45 this equals 27 into 5 into 60 minutes. 27 into 5 into 60. Now, that's equal to 45. It's all for the calculator. 5 ones are 5. Yes. 5 7 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9
लोग को 10 क्वेश्चन दे दो सर, दो दो मिनट में बना देंगे। अयो सर लास्ट क्वेश्चन देखो, फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अच्छा इतने शांत क्यों बैठे? मैंने कोई नेक्स्ट एक्सप्लेन करना, पुलकित और गुंजन को छोड़कर कोई तीसरा एक्सप्लेन। सक्षम 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 सर, सर सक्षम सर, सक्षम तो रोज करते हैं, लास्ट कभी नहीं करते। चैतन्य आज थोड़ा चुप है, चैतन्य नहीं पता बहुत सबर कर रहा है आज। डिस्टर्ब नहीं करो लक्ष्य। यस सर, सर सर 18 किलोमीटर इन 12 आवर्स इक्वल टू एक्स एक्स किलोमीटर। 18 किलोमीटर रेशियो इज टू 36 मिनट्स, 18 किलोमीटर इज टू 36 मिनट्स प्रोपोर्शन 12 एक्स किलोमीटर इज टू 12 आवर्स। वेरी गुड। सो अब आपको क्या लिखना है फार्मूला? मीन टर्म इक्वल्स टू एक्सट्रीम टर्म, प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म। सर 36 इंटू एक्स, 36 इंटू एक्स इक्वल्स टू 18 इंटू 12 इंटू 5। सक्षम सबर करो, तो बड़े हार्ड नहीं मारो। सर 360 किलोमीटर कहाँ से आ गया? सर 5 कहाँ से आ गया? वर करो थोड़ा, हम तो बड़े हार्ड ड्राइवर हो। सर 18 इंटू 12 इंटू 60 अपॉन 36। आराम से आराम सर, तो 18 वन्स है 18 टूज़ है, 18 वन्स है 18 टूज़ है, 2 वन्स है 2 सिक्स है 360 मिनट, 360 आंसर, 360 किलोमीटर किलोमीटर। शुरू में तो क्या लग रहा था, तब लग रहा था ये मेथड किसको लग रहा था? Okay, इतना इजी मेथड सर, इतना इजी लग रहा था सक्षम, कोई टफ लग रहा था सक्षम ही बोल रहा था।
वो अलग कंफ्यूजन है मेरे को भाई। ठीक है बेटा ये मैं अब सर एक भी कंफ्यूजन नहीं है सर, जिसको कंफ्यूजन है उसको मत समझाना। ओके देखो आपके पास आप इस क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो है ना, यूनिटरी मेथड में हम लोग कई सर सॉरी सर सर नहीं सर 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 नहीं सर मेरे 50 में थे नहीं सर एक ही फिर कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों मैच। ओके ठीक है लेकिन आप यूनिटरी मेथड मींस पहले आप क्या करते हो वन का वैल्यू ऑफ फाइंड करते हो फिर आप रिक्वायर्ड टाइम आपको दिया है 12 आवर्स मींस 60 मिनट्स उसका उससे मल्टीप्लाई करते हो, ये वो यूनिटरी मेथड है। आप कई बार प्रैक्टिस कर चुके हो ये मेथड आपके लिए नया था मुझे लगा आपको सिखाना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप मैं करूंगा सर हार्दिक म्यूट सक्षम के पास जादू सर प्लीज ना सर मैं कर नमन सक्षम नमन सक्षम रोज नहीं करता है मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ बेटा है ना की बात नहीं ना सर क्वेश्चंस रहन दो ना आराम भाई भाई एकदम सर टफ वाला दोनों एकदम टफ वाला ये 120 आंसर ओए आराम वैसी आंसर आएगा 120 360 क्वेश्चन चेंज दूसरा टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ है ना इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन देखो तो हाँ सर प्रोपोर्शन के बीच में एंगल मत घुसाओ सर कुछ समझ जो कर रहे हैं वो करो सो प्रोपोर्शन करना चाहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन सक्षम करेगा ये वाला क्वेश्चन ये आपका स्वाद है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप फाइंड करो ए इज टू बी और इसमें भी आपको ए इज टू बी रेशियो फाइंड करो आप रेशियो बताओ बेटा सर तो रेशियो कुछ दिया रहेगा तब तो बताए सर आपको पता है जो पाइथागोरस थ्योरम है ना सर उसको प्रूफ करने का कुछ डेटा ही नहीं है सर। हाँ ये क्वेश्चन चेतन हाँ ये क्वेश्चन में जो रेशियो निकालना वो निकल जाएगा आपके पास में सब कुछ है आप याद करो और रेशियो निकालो निकाल गया सर ए टू बी की मेरी वैल्यू निकल गई बताऊं यार चैतन्य भाई सर 1:2 सर 1:2 चैतन्य म्यूट बाद में गलत होता है इसका नहीं नहीं सर दो में चैतन्य को बाबा चैतन्य बाबा चैतन्य चैतन्य जी सर आपका आंसर करेक्ट है किसके आंसर बता रहा हूँ बात का या रोम्बस का ये बताओ रोम्बस का आंसर निकाला हूँ रोम्बस रोम्बस का चैतन्य का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके सो फर्स्ट एंगल ये 60 डिग्री एंगल बी की वैल्यू बताओ चैतन्य सर 120 डिग्री एस 60 एंड 120 एट टू फॉर 180 डिग्री ए इज टू बी मींस ए की वैल्यू क्या है ए अपॉन बी एंगल ए का वैल्यू 60 डिग्री और एंगल बी का वैल्यू क्या है 60 तो चैतन्य को 100 मार्क्स मिल गया है ना। ओके चैतन्य फर्स्ट क्वेश्चन बताओ स्क्वायर का एडजेसेंट एंगल का
म्यूट मत करो चैतन्य। यस सर, तो इसमें लिखा हुआ सर आपका क्वेश्चन ए एस टू बी है ना? हाँ सर, किसी की वैल्यू किसी की वैल्यू नहीं दिया क्या गली? वेरी गुड, 90 यस वेरी गुड। सो एस्पायर मींस ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, 90 डिग्री। ए अपॉन बी 90 अपॉन 90 मींस इसको 1:1 भी लिख सकते हैं सर। साफ में से सर डाटा तो दिए नहीं है तो कैसे आंसर सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन बाद में मत रोना कि हमको सर आप बताए नहीं हो। अनम्यूट कर रहा हूं, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सर समझ में नहीं आया है, ये समझ में नहीं आया ये चैतन्य तो सर आज पहली बार इतना अच्छा दिए। चलो मैं समझा, नहीं आया सुनो ठीक है, उंजन ले लिया रॉम्बस की प्रॉपर्टी, चैतन्य पास हो गया। देखो रॉम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि एडजेसेंट एंगल पे जब काम करोगे ना तो हमेशा क्या होगा 180 डिग्री होगा। क्या होगा 180 डिग्री, ये आपका 60 रिप्लाई करो बेटा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर क्लियर है? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ टू नंबर इक्वल टू 5:3। ओके नेक्स्ट आपका difference of two numbers equal to 20। So sir इसमें क्या करना है? Find the numbers। अब आपको number find करना है। Unmute का option है सभी के पास, जो भी x equal to x is 10 सर, एक्सिस 10। चैतन्य बाबा गलत है। ओके चैतन्य एक्सप्लेन करो जल्दी, 2 मिनट बस बाकी है। चैतन्य आपने बोला रेशियो ऑफ टू नंबर इक्वल टू 5:3, अब आपने वैल्यू नहीं दिया इसलिए मैं 5x:3x लिख सकता हूँ अब। ओके वेरी गुड, सो आंसर इज लेट द नंबर इक्वल टू 5x and 3x। तो अपने आपने बोला है दैट डिफरेंस ऑफ टू नंबर 20, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5x-2x। वेरी गुड सर, नंबर इज 20 इट इज गिवन दैट इट मींस यस सर। चैतन्य कंटिन्यू करो चैतन्य। अरे ऐसे में सर रॉन्ग आंसर आ जाएगा सर। हाँ हम लोगों को पता तो तेरा वही आए 3x बोला हूँ सर, आप 2x लिख दो गलती से। Now sir, it is equal to 2x equal to 20. Yes. So x equal to 20 upon 2 and equal to 10. That is equal 10. नहीं समझ में आया। Sir, so अब दो नंबर हुए 5:10 and 3:10. Sir, समझ में नहीं आया ये। नहीं आया। Sir, आगे समझ। चले नहीं बोल रहा। क्लास में समझा देंगे आपको, है ना? Yes. सर 4 मिनट बाकी है, समझा दो ना आप। नंबर 2 into 10 हाँ 3:10 में 30 minus 50 minus 20 equal to 20। इस तरह का क्वेश्चन आप एक्स ले लेना, जैसे 5:3 है ना तो आप एक नंबर को 5x मान लो, दूसरे नंबर को 3x मान लो, और 5x में 3x को सबट्रैक्ट करो तो 5-3 क्या आ रहा है 2 आ रहा है, उसका जो डिफरेंस उसको आप इसमें डिवाइड करो, ये आपका 20 है। सिंपल सा आप ट्रिक कर लाओगे, आप ट्रिक को देख लो, सबका डिफरेंस क्या है 20 मींस यहां पर 20 और आपका रेशियो क्या 5
इस टू थ्री, तो फाइव और थ्री का डिफरेंस निकालो, फाइव और थ्री का डिफरेंस